दोस्तों वीवो इंडिया में लॉन्च कर दिया वीवो T1X 4G फोन को, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियलमी C35 4G और वीवो T1X 4G फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, ये दोनों फोन सेम प्राइस पर आता है, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया, यह दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रियलमी C35 फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया, इसमें 5 देखने को नहीं मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इसमें हाईर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल रिफ्रेश रेट दिया गया 60Hz का। और यहाँ पे बात करें तो वीवो T1X फोन, इसमें जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो डिस्प्ले में यहाँ पे मेरे ख्याल से बाजी मार लेता है वीवो T1X फोन, इसमें हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो रियलमी C35 फोन में 3 फुल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया। जो टार्ट कैमरा है 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो वीवो T1X फोन, इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में सेल्फी कैमरा सेम दिया गया। सेल्फी कैमरा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में 8 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया वाटर ड्रॉप नॉच में। तो कैमरा में यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम कैमरा देखने को मिल जाएगा दोनों फोन में। और दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो रियलमी C35 फोन में यूनिसिक का प्रोसेसर दिया गया, यूनिसिक्स T616 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो T1X फोन, इसमें क्वेलकम का प्रोसेसर दिया गया, क्वेलकम स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। और जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 610 जीपीयू मिल जाता है। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो यूनिसिक्स T616 प्रोसेसर, यह 12 नैनोमीटर पर आधारित है, 12 नैनोमीटर पर चलता है। यहाँ पे बात करें तो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, यह 6 नैनोमीटर पर आधारित है, 6 नैनोमीटर पर चलता है। तो परफॉर्मेंस में यह पे क्लियर विनर बन जाता है वीवो T1X फोन। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो वीवो T1X फोन में एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और साथ में फोन टच 12 दिया गया। यहाँ पे बात करें तो रियलमी C35 फोन, इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, और साथ में रियलमी UI 2.0 मिल जाता है। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो रियलमी C35 फोन 2 वारंट पर आता है, जो बेस्ट वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो वीवो T1X फोन, ये फोन 3 वारंट पर आता है, जो बेस्ट वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो मिड वारंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो दोनों फोन में 18W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB Type-C 2.0 दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है। दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन दिया गया। ग्लासिक फिनिशिंग बैक मिल जाता है, लेकिन ग्लास नहीं दिया। दोनों फोन का बैक साइड में प्लास्टिक यूज किया गया है। रियलमी C35 फोन में इसमें काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन दिया गया है। तो यहाँ पर डिजाइन पर बाजी मान लेता है रियलमी C35 फोन। अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का प्राइस का। ये दोनों फोन का जो प्राइस है सेम प्राइस पर आता है, जो बेस्ट वारंटी है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ये दोनों फोन का प्राइस सेम है, 11,999 रुपीज़ पर आता है। और जो मिड वारंटी है
4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ये दोनों फोन का प्राइस सेम है, 12,999 रुपीज़ पर आता है। जो हायर वारंट है वीवो T1X फोन का, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, इसका प्राइस है 13,999 रुपीज़ पर आता है। तो यहाँ पर प्राइस देखा जाए तो दोनों फोन सेम प्राइस पर आता है। स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे विनर बन जाता है वीवो T1X फोन। अगर आपको डिस्प्ले में हायर रिफ्रेश रेट चाहिए और परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए वीवो T1X फोन की तरफ। अगर आपको डिजाइन बढ़िया चाहिए, बेटर एक डिजाइन चाहिए, डिजाइन के लिए फोन ले रहे हो, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं रियलमी C35 फोन के तरफ। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस इतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा और हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया डिस्प्ले में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे विनर बन जाता है वीवो T1X 4G फोन। अगर आप इन दोनों फोन में से किसी एक फोन को परचेस करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा वीवो T1X फोन को परचेस कर सकते हैं। यह फोन काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो का मैं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।